हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मसीह खुदावन के बाबरकत और मुकद्दस नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम बिशप जावेद करनैल है। मैं फाउंडर और चेयरमैन हूं ब्लेसिंग ऑफ गॉड चर्च ऑफ पाकिस्तान का और सेंट बर्नाबास स्कूल को भी रन करता हूं जो पहली क्लास से लेकर के मैट्रिक तक है। और आज शाम मैं अपनी कौम के नौजवानों को अप्रिशिएट करता हूँ जो फलाही काम करते हैं, जो अंतक मेहनत करके अपनी कौम के लिए लड़ते हैं और वो माली तौर पर भी मुआवनत करते हैं और फिर इसी तरह वो ख़तरात में कूद जाते हैं ताकि हमारी कम उम्र बेटियों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं उनको वो जो है रिलीज़ करवा सकें। तो मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के नौजवान अपने अंदर गैरत रखते हैं, तो बड़े शुक्रगुजार हैं आपकी इन काविशों के लिए। तो आज शाम मैंने आपको बुलाया है कि मैं आपको अप्रिशिएट करूं ऐसे कामों के लिए जिसमें आप अपना टाइम देते हैं और ख़तरात में कूदते हैं और कम उम्र बेटियों के साथ जहां पर ज़्यादतियाँ होती हैं आप अपने आप को ख़तरात में डाल करके उनको महफूज करते हैं। खुदामद बरकत दे। रिसेंटली एक वाक़ हुआ जिसमें हमारे नौजवानों ने एक अहम करदार अदा किया, जिसके लिए मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हमारे प्यारे भाई आइज़क हैं, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि टाइम शॉर्ट लेना क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो भाई आइज़क जो हैं वो अपने ख्यालत का इजहार करेंगे आपकी तालियों में। जी मसीह यसु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। पहले तो मैं अपनी टीम का एक छोटा सा तारफ करवाना मुनासिब समझूँगा। अब मैं इसमें मेरे सब सीनियर बैठे हुए हैं पार्टी लेवल पर, लेकिन ये जो मामला है ये कौमी मामला है। इसके लिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि जो इस केस में मेरे टीम का हिस्सा थे, मेरे साथ थे, जिनकी वजह से आज हम सब यकिया हैं यहाँ पे, मैं उनका तारफ़ करवाना बहुत ज़रूरी समझूँगा। ये केस बेशक मेरे मोहल्ले से, मेरे दफ्तर से आया,
लेकिन उसके बाद मैंने ज्वाइन किया इम्तियाज़ चीमा भाई को, आप सब जानते हैं। उसके बाद हमने ज्वाइन किया नोएल भाई, इन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के और हमें हौसला दे के रात गए तक हमें पाबंद करके रखा। तो खुदावंद के फजल से ये केस जो है, अभी जो लड़का है वो थाने में है, बच्ची हमारे पास है और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसकी जो पहले फेसबुक पे जो आया वो आप सब ने तकरीबन देख लिया होगा कि इसकी नौइयत क्या थी, कैसे कैसे ये हुआ। तो मैं सब भाइयों का और खसूसन इस टीम का, जो अभी मेरे एक भाई ने मुझे मजाक से कहा कि आप लीडर हो, आपने फ़ोन बंद किया हुआ है, मैंने कहा मैं पहले लीडर नहीं था, अब आपने मुझे लीडर बना दिया क्योंकि मेरी ताकत ही इतनी बड़ी हो गई है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब का कि आप इसके, और ख़ास करके बिशप साहब का जिन्होंने हमें रिसेप्शन दी यहाँ पे और हमें बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ, मेहरबानी। इम्तियाज़ चीमा साहब हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार करें, उनको आपकी तालीम में दावत देते हैं, तो वो भी शॉर्टली अपने ख्यालात का इजहार करें क्योंकि वक्त को मलहूज़े खातिर रखते हुए आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि मेरी अहम टीम जो थी, मीटिंग थी, वो मीटिंग के दौरान आपने वेट किया है, तो आप काबिले कदर हैं जी, बुज़ुर्ग बैठे हैं यहाँ पर, शुक्रिया। सबको मेरा सलाम। ज़्यादातर लोग तो मुझे जानते हैं, जो मेरे भाई नहीं मुझे जानते, मेरा नाम इम्तियाज़ चीमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, अदना सा वर्कर हूँ मैं और सोशल वर्कर भी साथ करता हूँ, जिस जगह पे भी मेरे भाई किसी जगह पे कोई मुश्किलात होती है कौमी तौर पर, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर पहुँच कर जितनी भी दादरसी की जाए अपने दोस्तों की कर सकता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले बिशप साहब का कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और इस बात से हमें हौसला अफजाई और हमारे जितने नौजवान हैं उनको भी तकवीत पहुँच दी है और वो लोग बढ़ चढ़ कर काम करते हैं अपनी कौम के लिए। और इसके अलावा अभी हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे सिंध के एमपीए नवीद एंथनी साहब, और इसके अलावा नायब सदर सिंध परवेज़ हबीब साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी कराची डिवीज़न अमानत ज़िया साहब मौजूद हैं, और हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नोएल एजाज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो कि मुत्तहिदा मसीही काउंसिल के जो हैं वो चेयरमैन भी हैं, और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के जनरल सेक्रेटरी हमारे दरमियान शमान अलीशा साहब मौजूद हैं। इसके अलावा दीगर बहुत सारी जो सीनियर हमारी जो है क़यादत वो बैठी हुई है। तो मैं अपनी तमाम जो सीनियर क़यादत है इनके सामने इस तरह के जो वाक़यात है ये बाखूब इनसे वाकिफ भी हैं, और इसके अलावा मैं दोबारा से इनके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे या जिन इलाकों में इस तरह की अवेयरनेस कम है मजहबी तौर पर, तो उसके लिए कोई ऐसा इकदाम बनाएं इस तरह जैसे नोएल भाई ने मुत्तहिदा मसीही काउंसिल का प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया है। तो हम लोगों को चाहिए कि इनका मिलकर यगानियत से हम लोगों को चाहिए कि इनका साथ दें, और हर जगह से जिस जिस इलाके से हमारा ताल्लुक है वहाँ से हम अपनी नौजवान जो जनरेशन है उनको अपनी कौम की गैरत के लिए तैयार करें। और मैं चाहूँगा कि जिसमें हमारे जो सीनियर हैं पहले भी बहुत बड़ी मेहनत की है, नादर भाई हैं, इसके अलावा नादर रफीक भाई, इन्होंने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मैं थाने में था और मैं शुक्रगुजार हूं, इस जगह जब अरेस्ट करने के लिए हम उस लड़के को गए हैं इस कौम की बेटी के, तो इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, जिस तरह उस इश्तियाल में वो लोग थे और उनको मुंतशर होने से और अपने लोगों को जिस तरह कायल करके, और जिस तरह इन्होंने चौकी इंचार्ज जो थे हमारे सराज खटक साहब उनके साथ मफामत की जो डोर उसको कायम रखकर अगले दिन उस लड़के को दोबारा, जबकि लड़का तो भाग गया था, उसको बुलाया, इसमें नादर रफीक भाई का बहुत बड़ा किरदार है, आप सबकी तालियों में। तो इस तरह जो है जब हमारे बड़े हमारे सर पे हाथ रखते हैं तो हमारा दिल जो है वो और बढ़ चढ़कर कौम के लिए काम करने को दिल करता है, हर जगह पर हमारा दिल करता है कि हम अपने लोगों के लिए खड़े हैं। शुक्रिया आप तमाम लोगों का, शुक्रिया।
नोएल भाई आते हैं, हर एक आदमी करे। नोएल भाई आपकी तालियों में जी। तमाम हाजरीन महफिल और उस दिन जो दोस्त हमारे साथ थे, इन सारे इंसिडेंट में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा किरदार जो है इम्तियाज़ सीमा का और आयज़क भाई का, जिन्होंने हमें मदू किया। उसके बाद वो एक मसाल मौजूद है कि दोस्त मिलते के काफ़ला बनता गया और हम सारे दोस्त यूनाइट हुए और हमने बड़ी हिकमत अमली से। अच्छा, मैं नादर भाई से बात कर रहा था, मैंने नादर भाई ये मुलज़म निकल गया तो हमें मुल्तान या पंजाब जाना पड़ेगा, बड़ी खवारी वाला काम है। लेकिन नादर भाई और हम जब बैठे थे, जैकब भाई हमारे जज्बाती आदमी हैं, जैकब भाई ने जो है ना बहुत सारी जगह पे कोशिश की कि मतलब अपना जज्बात को बेकाबू भी होते गए, लेकिन बड़ी हिकमत अमली से हमने उसको इधर ही उस मुलज़म को चौकी में बुलाया, चौकी में बुला के उसको रेस्ट किया ताकि मतलब ज़्यादा हमें ख्वारी ना करे करनी पड़े। तो उसके बिहाइंड जो दोस्त हमारे साथ थे, मौजूद थे, परवेज़ हबीब साहब सिंध के नायब सदर हैं हमारे पीपल्स पार्टी, मनार्टी विंग के एमपी एंथनी नवीद साहब जो रबते में थे, जिनसे हम रबते में कोऑर्डिनेशन में थे। तो तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बासीयत कौम हमें खड़े होने की ज़रूरत है, इस चीज़ से बालातर हो के कि मेरी कौन सी सियासी पार्टी है। अक्रॉस द पार्टी हमें जाना पड़ेगा, अक्रॉस द डिनोमिनेशन जाना पड़ेगा, अक्रॉस द कोई हमारा सोशल फोरम है उसको क्रॉस करके हमें बासीयत कौम इकट्ठा होना पड़ेगा। मसाइल बहुत हैं, हर इलाके में, हर गली में, हर मोहल्ले में मसाइल हैं। कौन सी वजूहात हैं हम इकट्ठे हो सकते हैं? सिर्फ एक ही खामी हम में कि हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना नहीं सीखा, एक दूसरे को मानना नहीं सीखा। जिसको खुदा ने जो इज़्ज़त दी है हमें, उसको उसकी इज़्ज़त के हिसाब से अगर हमने उसको कबूल कर लिया तो मेरा ख्याल और कोई खामी रह नहीं जाती। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों सामने वाले के अंदर खामियां ढूंढें। हमने कभी ये सोचा कि सामने वाले के अंदर जो खूबी है उसको मैं तलाश करूँ, उसको अपनाऊँ, वक्त आने पर उसके अंदर जो खामी है वो भी दूर हो जाएगी। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आए शॉर्ट नोटिस पे, और मैं ख़ास तौर बिशप साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि तमाम दोस्तों को उन्होंने यहां बुलाया, ये महफिल सजाई कि हम कौम के उन दुखते इशू पे, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए कि हमारे कमसन बच्चियां 12-12, 13-13 साल की बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन तमाम दोस्तों का कि जो जिनको रात को हम फ़ोन करते हैं तो हमारे साथ खड़े, ख़ास तौर तबसम यूसुफ एडवोकेट साहब हमारी बहन है, और फिर स्टेला वो पुलिस में है, हालांकि उसको बाज़ तहा हम समझाते भी हैं कि तू मतलब इतना ओवर बोल जाती है यार, तेरी नौकरी है, मेरी बहन अपनी नौकरी बचा। लेकिन शुक्रगुजार हूँ कि मसीह गैरत रखते हुए वो भी हमारे साथ आके खड़ी होती है। और उस दिन अपना सनी अकबाल गिल साहब, तमाम दोस्त में एक टीम वर्क की तरह हमारे साथ खड़े थे, सारे एक पेज पे खड़े थे, सबका एक ही था कि मुलज़म जो है गिरफ़्तार होने चाहिए। तो शुक्र है खुदा का कि मुलज़मान गिरफ़्तार हुए और अभी केस जो अंडर ट्रायल है। बाकी तबसम यूसुफ साहिबा जो हैं वो इस सारे चीज़ को लीड कर रही हैं तो बेहतर बताएंगी। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, पार करें आपकी तालियों में। मैं सब तो पहले तो शुक्रिया अदा कर सब ने बिशप साहब का और अपना एंथनी साहब का और मैडम का, तुसा इस काबिल सब जा। मैं एक छोटा जहा बंदा जे, मेरा 25 साल तो होम पेशेंट केयर का मैं काम कर रहा, लोगों बेरोज़गार लोगों नौकरी देने, वो बाद अस सोशल वर्कर, मैं छोटा सा असी जेकब जावेद वेलफेयर फाउंडेशन के नाते असी एक वेलफेयर स्टार्ट की थी। लेकिन साढ़े कोई इन्ना वो नहीं सी, कोई चैरिटी नहीं थी, कोई ना कि सानू मुसलमान ने ना किसी क्रिश्चियन ने कोई सानू फंड दिता, असी अपनी मदद के तहत ही कारोबार वो करते रहे वेलफेयर। उसके बाद असी हम यूट्यूब चैनल चला दिता है। तो मेरी जिंदगी का ये मकसद सी, हूँ भी मेरी जिंदगी का ये एम है कि अपने क्रिश्चना च कोई ईदी क्यों नहीं पैदा हो सकता। तो असी ये ईदी बन के चक्कर से मैं ये यूट्यूब चैनल खोलिया है। ये जो सानू यदि तकरीबन थोड़े अरसे बाद सानू यदि मिलने वाले ने थोड़े पैसे मिलने करेंगे यूट्यूब की वजह ना,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਏਮ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਓ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉੱਦਣ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਦਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਲਮ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਲ, ਬਾਜੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਸਾਰੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਯੂਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਮੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਇੰਜਨੀ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਫੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2:30 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਡੀ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਡੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਜਗ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੇਰਾ 50 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਨੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਤਬੱਸਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਦਣ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਹ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਣ ਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਡੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ 12, 11, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੰਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀੜੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਯਕਜੇਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪੀਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸ਼ੇਡ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ 1-1 ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ।